हमसे बोला है एग्जाम्पल नंबर वन में फाइंड 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो आप देख रहे हो बच्चों टोटल कितने रैशनल नंबर हैं, 4 रैशनल नंबर्स का इन्होंने एडिशन कराने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो इसका हम एडिशन करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड, मतलब जैसा आपको दिख रहा है सिंपली आप इसको ऐड करते जाओ। देखिएगा अभी जब हम जो फर्स्ट मेथड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चों, इसमें हम एडिशन करेंगे, आपको आंसर भी मैच कराएंगे, आपका आंसर भी सही आएगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। तो जो प्रॉपर्टीज हमने पीछे पढ़ रखी हैं, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, उन दोनों को लगा के जब इसी क्वेश्चन को करेंगे सेकंड मेथड से तो ये इजी हो जाएगा, करेक्ट। तब हमें पता चलेगा कि हमें एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी क्यों पढ़ाया गया था, करेक्ट। तो आइए पहले तो बहरहाल इसको हम डायरेक्ट करते हैं बच्चों। तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ध्यान से चेक करें सभी बच्चे, डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो 7 लिखा हमने, ठीक, एलसीएम तो सबको निकालना आता है, 11 लिखा हमने, ठीक, 21 लिखा हमने, करेक्ट, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, 22। यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालना सभी बच्चों को आता है। सबसे पहले ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है आप देखोगे, 21 3 से हो रहा है ना, तो 3 से, अच्छा 7 तो जाएगा नहीं, ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, एलसीएम निकालना आता है सभी बच्चों को, है ना, 11 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और 3 7 का कितना होता है 21, फिर 22 हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें, अब ये 7 से, देखिए ये 7 से और ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, सो 7 1 7, ठीक, 11 ऐसे ही रहेगा, 7 1 7, फिर 22, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें बच्चों, 11 से अब हम डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली, सो 11 ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, 11 बंचा फिर ये 1 ऐसे ही रहेगा और 11 टू जा, करेक्ट बच्चों। हालांकि हमें सबसे पहले 2 से ले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि बच्चों 2 से ये डिवाइड हो रहा है, सो 2 1 जा, ठीक, 2 1 जा 2, मतलब ये 1 1 1 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 2 1 जा, करेक्ट। ये देखिए अब जब 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पे तो हम इसको छोड़ देंगे, करेक्ट। तो एलसीएम बच्चों कितना आ गया, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एलसीएम कितना आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। देखिए 3 × 7 × 11 × 2, ओके, 11 × 2, चलिए इसको मल्टीप्लाई करना आता है बच्चों सभी को, यस सर आता है, 3 7 21 × 2 में, देखो 3 और 7 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया और 11 और 2 को एक साथ, 11 × 2 = 22। अब जो आंसर आ रहा है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 21 × 22, ओके। सो कहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 21 × 22, करेक्ट, 2 1 2 2 2 4 × 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ आएगा 2 4 + 2 6, यहाँ आएगा 4, करेक्ट, 462, ये आ गया आपका एलसीएम, ओके स्टूडेंट्स, 462 आ गया आपका क्या, एलसीएम, ठीक। तो देखिए बच्चों अब हमने क्या किया, हमने 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया डिनोमिनेटर में, ये इस तरीके से कितना आ गया, ध्यान दें बच्चों 462। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, 462 को हम डिवाइड करेंगे, इसको कॉपी करिए, मैं रब कर दूंगा, मुझे जगह चाहिए होगी ना थोड़ी सी, इसको कॉपी करिए बच्चों, एलसीएम जो निकाला है प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, कर लिया वीडियो पॉज करके, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, नाउ ये जो एलसीएम आया हुआ है बच्चों, करेक्ट, इस एलसीएम को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, इसको हम डिवाइड लगाएंगे किससे, 7 से, है ना, करेक्ट, लगाते हैं क्या आएगा, देखिए 7 6 बच्चों होता है 42, 6 − 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे हम 2 कॉपी करेंगे, ठीक है, 7 6 = 42, रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि 462 को 7 से डिवाइड किया कितना आ गया, 66, जो आता है, याद है ना आपको, एलसीएम को किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर जो आता है कितना आ रहा है, क्वेश्चन डाला 66, उसको उठा के हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 × 3 × क्या करेंगे, 66, फिर ये वाला प्लस बच्चों यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे और यहाँ देखिए -6 लिखा है, प्लीज माइंड इट, -6 लिखा है, -6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 462 को डिवाइड करो 11 से, जितना आ जाए उसको उठा के -6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे, देखिए बच्चों ये हमने लिया 462 और इसको उठा के -6/11 के डिनोमिनेटर यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे, सो 11 4 दा कितना आएगा 44, 6 − 4 = 2 होता है, 4 − 4 कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, 2 कॉपी करेंगे, 11 2 दा कितना होता है 22 होता है, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक, सो कितना आ गया 42। तो बच्चों -6 को उठाकर 42 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे हम इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, -8 के नीचे 21 है, तो अब हम 462 को 21 से डिवाइड करेंगे, चलिए करते हैं, 462 को बच्चों 21 से हमने डिवाइड किया, करेक्ट, सो 21 × 21 2 जा,
चेक करो 21 टू जा कितना होता है 42 है ना, क्योंकि 2 वन जा 2 भाई, चेक करो ना 21 इंटू 2 करोगे बेटा कितना आएगा, 2 वन जा 2 2 टू जा 4 42 जो कि 46 से छोटा है, तो 21 टू जा 42 6 माइनस 2 4 ठीक, यहां से 2 कॉपी किया फिर 21 टू जा 42 बच्चों रिमाइंडर कितना आ गया 0 ठीक, यानी कि जब हमने 462 को 21 से डिवाइड किया 22 आया, यानी कि माइनस 8 को 22 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो माइनस 8 इंटू क्या करेंगे 22 ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट यहां पे देखिए क्या है प्लस ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब 5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 462 को 22 से क्या करोगे डिवाइड, कितना आएगा देखते हैं 21 आएगा आई थिंक ठीक है, सो एलसीएम आया था 462, इसको उठा के ये 5/22 के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सो 22 टू जा कितना होता है बच्चों 44 6 माइनस 4 2 ओके, और यहां से 2 कॉपी फिर 22 वन जा 22 रिमाइंडर आ गया 0 कितना आया 21 यानी कि 5 × 21 करेंगे ठीक है, ऐसे ही तो एडिशन करते हैं ठीक है। चलिए अब ध्यान दें, अब ध्यान दें बच्चों 3 × 66 कितना होता है बच्चों 66 इंटू 3 कितना होता है 3 6 18 1 3 6 18 प्लस 1 19 198 आ गया यहाँ पर करेक्ट, सो ये हो गया 198। नाउ बच्चे ध्यान दें प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 6 × 42 तो 6 × 42 कितना होता है, वैसे तो बहुत ईजी है बट मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ ताकि सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 6 × 2 = 12 1 6 = 24 प्लस 1 = 25 कितना हो गया 252, यानी कि बच्चों प्लस माइनस माइनस और 6 × 42 कितना आ गया 252, तो यहाँ आ गया 252 और प्लस माइनस माइनस और 8 × 22 बच्चों कितना होता है 8 × 22 स्टूडेंट्स चेक करिए 22 × 8 8 × 2 = 16 1 8 × 2 = 16 प्लस 1 = 17 तो कितना आ गया 176 ओके, सो माइनस का कितना आ गया 176 और प्लस, अब ध्यान दें बच्चों 21 × 5 कितना होता है 21 × 5 बच्चों 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 105 होता है ओके स्टूडेंट्स, सो 105 होता है डिवाइडेड बाय बच्चों 462 ओके स्टूडेंट्स इस तरीके से। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दें बच्चों क्या करना है मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले इन दोनों को एक साथ ऑपरेट कर लो, मतलब 198 कैसा है प्लस का, माइनस 252 कैसा है नेगेटिव का, सो प्लस माइनस बस इन दोनों को देखो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 252 में से 198 को माइनस करना है लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का ओके, सो 252 माइनस 198 करेंगे, ध्यान से चेक करें 12 माइनस 8 बच्चों 4 होता है ठीक, 4 यहां बचा वहां से कैरी लेंगे तो 14 माइनस 9 5 होता है तो हमारे पास आ गया कितना 54, सो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 252 माइनस 198 कितना बचेगा 54, लेकिन बच्चों साइन का ध्यान देना है प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, इन दोनों में से बड़ा कौन है 252, 252 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा माइनस 54 ठीक है। अब ध्यान दे बच्चे इन दोनों को या तो आप ऑपरेट कर लो ठीक है भाई, इन दोनों को एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ कर लो या तो इन दोनों को कॉपी कर लो, जो पसंद है आपको कर सकते हो ठीक, तो मैं एक काम करता हूं इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करके आंसर लिख देता हूं ठीक, तो देखो माइनस प्लस क्या होता है इन दोनों को देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 176 माइनस 105 करो लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि 176 बड़ा है और उसका साइन माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा और आएगा कितना 176 माइनस 105, तो 176 माइनस 105 करिए बच्चों ठीक, 6 माइनस 5 1 7 माइनस 0 7 और 1 माइनस 1 कुछ नहीं, यानी कि 71 यहां पर बचेगा करेक्ट, सो माइनस प्लस माइनस बचेगा कितना 71 और साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस ठीक, मतलब इन दोनों को एक साथ ऑपरेट किया और इन दोनों को एक साथ ऑपरेट किया ठीक, अपॉन में कितना है 462 ठीक है स्टूडेंट्स ये आ गया। अब ध्यान दें बच्चों इन दोनों को ऑपरेट किया माइनस 54, इन दोनों को ऑपरेट किया माइनस 71, अब इन दोनों को आपस में ऑपरेट करिए ठीक, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि दोनों को ऐड करना है लेकिन माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि 71 का साइन लगेगा, सो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि दोनों को ऐड कर दो 71 और प्लस 54 बच्चों कितना हो जाएगा 71 प्लस 54 4 प्लस 1 5 7 प्लस 5 12 125 लेकिन साइन आएगा माइनस का, सो बच्चों आंसर आया माइनस 125 डिवाइडेड बाय 462 ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जब हमने इसको डायरेक्ट किया ठीक है तो हमें 7 11 21 22 का एलसीएम निकालना पड़ा ठीक है, और आपने देखा कि प्रोसेस हो तो गया, कोई मना भी नहीं करेगा है ना, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, अगर हम यहां पर जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं ठीक है एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी अगर हम उसको लगाएंगे तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, तो इसका सेकेंड मैथड देखिए जो कि ईजी मैथड है जो कि बच्चों आपको एनसीईआरटी पे ठीक है
पेज नंबर 10 पे, यहाँ पे देखिए जहाँ पर आपकी बुक में लिखा है वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट एज, ठीक है। तो ये वाले मैथड से इसको ही हम आपको करके दिखाते हैं, पहले आप इस मैथड से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अब देखिए रूल ऑफ कॉम्यूटेटिविटी में हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स, याद है बच्चों आपको क्या था रूल हमारा, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स, याद है बच्चों इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब होता है, ये हमें टू नंबर्स के लिए पढ़ाया गया था बस, है ना, याद है आपको ऑन रैशनल नंबर्स, ठीक, हमें पढ़ाया गया था कि अगर ए और बी हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है तो आप ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, बात क्या है सेम है, याद है आपको, ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, बात क्या है सेम है, इसी को हम बोलते हैं कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, ठीक। और दूसरी बात बच्चों हमें पढ़ाई गई थी क्या कि एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, याद है, अगर आपको याद हो बच्चों लास्ट के वीडियोज अगर आपने देखे हो तो एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, ऑन रैशनल नंबर, ये बात हमें उसने पढ़ाई थी, याद है हमने आपको बोला था कि भाई ए है बी है सी है, थ्री नंबर से है ना, बी प्लस सी को पहले ऐड करो उसमें जो रिजल्ट आ रहा है बी प्लस सी का उसको ए में ऐड करो या फिर ए को बी में ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है सी में ऐड करो, बात क्या है सेम है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कम्यूटेटिव रूल हमें टू नंबर्स के लिए पढ़ाया गया था, ये टू नंबर से ज़्यादा के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना, टू नंबर्स के ज़्यादा के लिए भी वैलिड है ना, कैसे, देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नंबर है तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, मान लो आपके पास 4 नंबर है ए बी सी डी, 4 रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो आप बच्चों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो या आप कुछ भी करो, उसका ऑर्डर चेंज कर लो फर्क नहीं पड़ता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो है ना, आप इसको लिख सकते हो डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, करेक्ट, आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, है ना, दो नंबर के लिए उन्होंने हमें पढ़ाया तो साफ साफ दिखता था ए में बी को ऐड करो या बी में ए को, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि दो से ज्यादा अगर रैशनल नंबर भी हो आपके पास तो ऑर्डर अगर आप इधर उधर कर दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यही क्या है, यही रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी है रैशनल नंबर्स के ऊपर कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों, आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो या आप डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी करो या आप ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी करो, ठीक है, बात है सेम, इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एसोसिएटिविटी में भी बच्चों यही होता है, ठीक है ना, एसोसिएटिविटी में अगर आपके पास उन्होंने 3 नंबर्स ले लिए थे ए में बी प्लस सी ऐड करो या ए प्लस बी को ऐड करके सी में ऐड करो, ठीक है, तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप ये समझो कि हमें यहां पर जो दिए हुए 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसके ऑर्डर हम यहां पर बच्चों चेंज कर सकते हैं और हमें बस ब्रैकेट में एग्जाम में क्या लिखना होगा, यूजिंग द रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है ना, ज्यादा आपको यहां पर टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो एसोसिएटिविटी उन्होंने 3 नंबर्स पे लगाई थी बच्चों, ये 3 से ज्यादा नंबर्स पे भी लग सकती है, क्या दिक्कत है ना, मान लो हमारे पास ए बी सी और डी, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बी प्लस सी प्लस डी को एक साथ ऐड किया, हाँ, या फिर हमने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको हमने डी में ऐड किया, ठीक है, ओके बच्चों, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, मतलब हम 4 नंबर्स पे भी एसोसिएटिविटी रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताऊं कि आप इसमें ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, ये देखो ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी कर दिया आपने, ए डी बी को एक साथ ऐड किया, सी को अलग ऐड किया, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ए और डी को एक साथ ऐड कर सकते हो, बी प्लस सी को एक साथ ऐड कर सकते हो, ए और डी को एक साथ ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको बी प्लस सी में ऐड किया, तो आपको ज़्यादा टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है बच्चों, इतना आपको डिटेल में जाके ये नहीं पहचानना है कौन ए कौन बी कौन सी कौन डी और रूल लगा के आपको नहीं दिखाना है, आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बस आप ये समझो कि जब आप को कोई नंबर्स दिए हो रैशनल नंबर 1, 2, 3, 4, आप ऑर्डर आगे पीछे करके उसको ऐड कर दो, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है और हम वहां क्या लिखते हैं कि वी हैड फॉलोड द रूल ऑफ व्हाट एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, ठीक है, अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं, तो बच्चों ध्यान से चेक करो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें दिया 3/7 और प्लस माइनस 6/11, ओके, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि भाई रूल कैसे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि भाई 2 नंबर्स पे पढ़ाया 3 नंबर्स पे पढ़ाया आपने, अब यहाँ 4 नंबर्स आ गए, परेशान मत हो, ठीक है, मैं चाहूँ तो 4 नंबर का 3 नंबर आपको बना के दिखा सकता हूँ, बेवजह परेशान मत होइए, बस आपको ऑर्डर इधर उधर करना है और क्या लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं, देखिए टेंशन नहीं, अभी सब क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। देखो बच्चों आप क्या करो, आप ये चेक करो कि कौन कौन से ऐसे डिनोमिनेटर हैं, चेक करो सुनो, कौन कौन से ऐसे डिनोमिनेटर हैं बच्चों यहाँ पर एडिशन में, कौन कौन से ऐसे डिनोमिनेटर हैं जो एक ही टेबल में आते हो, उनको आप पास पास ले आओ, आई रिपीट, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम टेबल में आते हो, चेक करो बच्चों, 3/7 में डिनोमिनेटर में 7 है, -8/21 में डिनोमिनेटर में क्या है 21 है,
अब आपको पता है बच्चों कि 7 और 21 ये दोनों जो नंबर हैं ये सेम टेबल में आते हैं, और ये किसकी टेबल में आते हैं, ये है मल्टीपल किसके, 7 के, यानी कि 7 की टेबल में आते हैं। बच्चों चेक करो, 7 वन जा क्या होता है 7, ठीक, 7 टू जा होता है 14 और 7 थ्री जा होता है 21, पता है ना आपको। तो देखा 7 और 21 सेम टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको चेक करने ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम टेबल में आते हो, ठीक है। तो एक ये मिला और एक ये मिला, तो इनको आप पास पास लिख लो, बात समझो कैसे लिखोगे, 3/7 लिखा हमने, ठीक, और ये देखिए प्लस में, प्लस प्लस क्या है, मैंने आपको बताया ना ए बी सी और डी है, तो ए ये भाई ए है, लो ए है, प्लस ये क्या है बी है, और प्लस ये क्या है सी है, ये वाला नंबर क्या है सी है, और प्लस ये वाला नंबर डी है। तो आपने क्या किया, ए प्लस सी को पास पास लिख लिया, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ए प्लस सी को एक साथ कर लेंगे और प्लस हम बी प्लस डी को एक साथ कर लेंगे, बी प्लस डी को एक साथ कर लेंगे, करेक्ट। ए प्लस सी, ए की जगह 3/7 और प्लस सी की जगह -8/21, ठीक, इन दोनों को हमने साथ साथ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ एक ब्रैकेट लग चुका है, तो इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट ले लिया, ठीक। ये देखिए ए हो गया और प्लस सी, ए प्लस सी को हमने एक साथ कर लिया। अब ध्यान दें बच्चों, अब आप चेक करो -6/11 और 5/22 के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 11 है, यहाँ 22 है, 11 और 22 एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि 11 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम पास पास ले लेंगे, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने प्लस इसको कॉपी किया -6/11 और प्लस 5/22, ओके, और यहाँ पे हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और बस इसी को हमने लिख दिया क्या, इसी को हमने लिख दिया कि अप्लाइंग रूल ऑफ व्हाट, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, बस इतना आपको लिखना है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना हलवा हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब तो बच्चे का खेल है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो दोनों के डिनोमिनेटर चेक करिए, दोनों के डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लोगे, 7/21 का एलसीएम पूरी दुनिया को पता है, 21 आता है, ठीक है बच्चों। अब 21 को मतलब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। आंसर आपका वही आएगा, 7/21 का एलसीएम कितना होता है 21, ओके बच्चों। 21 को 7 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 3 से यहाँ प्लस लगाए, लगा देंगे 21 जो कि एलसीएम है, 21 को 21 से डिवाइड लगाओ बच्चों, 21 को 21 से डिवाइड लगाओ, 1 आता है 1, ठीक। तो -8 × 1 क्या करेंगे, -8 × 1 कर देंगे, ओके बच्चों। नाउ अब आप देखिए प्लस, ठीक, 11 और 22 का एलसीएम, तो बच्चे को पता है कितना आ जाएगा 22, 22 को 11 से डिवाइड लगाएंगे 2 आएगा 2, तो -6 × 2 और प्लस बच्चों एलसीएम है 22, 22 को 22 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, तो 5 × 1, सो 5 × 1 कर दिया हमने यहाँ पर, करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर बच्चों को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। 3 3 होता है बच्चों 9, ठीक है, तो ये हो गया 9, अब ध्यान दें बच्चे सभी, 3 3 9 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 8 1 8 यानी कि -8, ओके, यहाँ आ गया -8 और डिवाइडेड बाय कितना है 21 है, ठीक, ये हो गया एक ब्रैकेट में फर्स्ट वाले में। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हटा के हमने नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ये नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ठीक। प्लस -6 × 2, देखो माइनस है 6 के पास, 2 के पास प्लस है ना, माइनस प्लस -6 × 2 = 12, सबको पता है -12 आएगा, ऐसे कर लो आप 6 × 2 = 12 और माइनस ऐसे ही लग जाएगा। नाउ प्लस 5 × 1 यानी कि 5 1 = 5, ओके, अपॉन में बच्चों कितना है 22 है, करेक्ट, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे बच्चों, 9 - 8 कितना होता है +1, यस सर, कैसे, 9 कैसा है पॉजिटिव, 8 कैसा है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 9 - 8 + 1, ठीक है, +1 अपॉन 21 और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक। प्लस अब ध्यान दें बच्चों, अब इसका ब्रैकेट हटा लेंगे, सॉल्व कर लिया ना। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके, तो 12 - 5 = 7 होता है, लेकिन हमारा आंसर आएगा -7 क्योंकि 12 बड़ा है, ओके, -7 / 22 ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर का बच्चों कॉपी करिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, मैं रब कर दूंगा, प्लीज़ वीडियो पॉज करके बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स प्लीज़, कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है, करेक्ट बच्चों,
आप देखिएगा आपका आंसर एग्जैक्टली वैसा ही आएगा जैसा लास्ट टाइम आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। सो नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 1/21, सो यहां से आ गया 1/21 और ध्यान दें बच्चों प्लस है यहां पर, ठीक, तो प्लस और क्या है -7/ कितना है 22 है। ठीक, आप इसको ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, वापस से मैंने कॉपी कर लिया। नाउ 21 और 22 का बच्चों एलसीएम यहां पे निकालिए, 21 और 22 का बच्चों एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 7 21, 22 ऐसे ही आएगा, फिर 7 1, ठीक है, फिर 22 ऐसे ही आएगा। अब आप देख सकते हो, हालांकि ये 2 से पहले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, 2 1 2 2 11 22, अब ये 11 से जाएगा, या आप 11 से पहले ले जा सकते थे, लास्ट में 2 से जाता, जैसा मन है आप कर सकते हो। ठीक है, सो एलसीएम आ गया बच्चों कितना, एलसीएम 3 × 7 है ना, × 2 × 11, 3 7 21 × 2 × 11, 22, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 21 × 22, ठीक, 21 × 22 बच्चों, 2 1 2 2 2 4, ओके, 2 1 2 2 2 4, ओके स्टूडेंट्स, 2 4 + 2 6, 4 462, फिर से एलसीएम आ गया, वो तो आना ही था बच्चों। ठीक है ना, चलो, तो 21 और 22 का एलसीएम आ गया कितना, 462। अब देखिए 462 को आप डिवाइड करोगे किससे, 21 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 22, आप देख सकते हो करके। ठीक है, सो 22 इंटू क्या करेंगे, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है लगा देंगे, और ये -7 है, तो -7 इंटू क्या करेंगे, 462 को 22 से डिवाइड करोगे, 21 आएगा, तो -7 इंटू 21 करेंगे, 22 × 1 = 22, और प्लस माइनस 7 × 21 बच्चों कितना होता है, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 = 14, तो चेक कर लीजिए बच्चों, प्लस माइनस 7 × 21 = 147, ओके, डिवाइडेड बाय कितना है 462। अब बच्चे ध्यान दें, 22 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, यानी कि 147 में से 22 माइनस करना है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके, तो याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस कर दो, यानी कि 147 माइनस 22 करेंगे, 7 − 2 = 5, ओके, और 4 − 2 = 2, ठीक है, 125, तो कितना आ रहा है 125, बट बच्चों प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस आ जाएगा, और अपॉन में कितना है 462। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, आपने क्या देखा कि आंसर आपका उतना ही आ रहा है जितना लास्ट टाइम आ रहा था, −125/462, ओके, बट प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो गया जब हमने 3/7 को और −8/21 को पास पास ले लिया, और हमने 6/11 −6/11 और 5/22 को हमने पास पास ले लिया, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो गई, ये बात आपने फील करी होगी। ठीक है, इस तरीके से लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी और लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी रैशनल नंबर्स के एडिशन पर लगाकर बच्चों हम अपने क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट, सो प्लीज नोट कर लीजिए।